वर्डप्रेस की एसईओ के अबाउट और बेसिक जो टिप्स हैं उनके अबाउट में आपके आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसके अंदर हम बात करेंगे एसईओ के अबाउट, वर्डप्रेस की एसईओ के अबाउट और बेसिक जो टिप्स हैं उनके अबाउट में आपके आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात जो है एसईओ, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, बहुत सारे लोगों को उसका पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि एसईओ का मतलब क्या है। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, हम गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। हम जब गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देता है। कुछ रिजल्ट्स सबसे टॉप पे आ रहे होते हैं, कुछ नीचे आ रहे होते हैं, उससे नीचे कुछ आ रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो टॉप पे आ रहे होते हैं, ऑब्वियसली बात है उन्होंने कुछ ऐसा किया होता है अपनी वेबसाइट के अंदर जिसकी वजह से वो टॉप पे आ रहे हैं, राइट। तो वो प्रैक्टिसेस को हम एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब सर्च इंजन के अंदर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर करनी पड़ती हैं, जिससे हमारी वेबसाइट इंडेक्स भी हो गूगल के अंदर और सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग भी ले। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम करते क्यों हैं, क्या फ़र्क पड़ता है हमारी वेबसाइट ऊपर है या नीचे है। जो वेबसाइट्स ऊपर आती हैं, टॉप के ऊपर आती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। ज़्यादा विजिटर्स से मतलब ये है कि आपका जो ज़्यादा बिजनेस है, ज़्यादा बिजनेस काम करेगा। ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा बिजनेस आपका सेल होगा। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सर्विस बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा जब आप प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं तो ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे हो। एट द एंड गोल यही होता है जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो कि आपने एक अच्छी इनकम जनरेट करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और हम आज एक इंस्टॉल करेंगे एसईओ का एक प्लगइन जिसका नाम है योस्ट एसईओ। एसईओ के रेलिवेंट और काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, रैंक मैथ हो गया, ऑल इन वन एसईओ हो गया। तो योस्ट सबसे पुराना और सबसे अच्छा जो है हमारे पास वो है। इसको हम कर देंगे इधर और सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर, और यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे योस्ट। सिंपल आपने ये सर्च करना है योस्ट के नाम से और यहाँ पे आपके सामने प्लगइन आ जाएगा। सिंपल आपने इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है। इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी पेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। लेट्स से अगर मैं पेज बना रहा हूँ, ठीक है, और लेट्स से मैं यहाँ पे एक पेज बनाता हूँ, और इस पेज को मैं नाम देता हूँ सर्विसेज, राइट। अभी एक और चीज़ है, अभी मैं आपको लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैंक यार्ड। मैंने सिंपल यहाँ पे सर्च किया रैंक यार्ड, तो यहाँ पे देखें ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके सामने, ये जैसे रैंक यार्ड डैश यू आर वन स्टॉप शॉप फॉर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशंस, और यहाँ पे एक मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इनको आप किस तरह से ऐड करेंगे अपने हर पेज के अंदर। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे ये ऐड किया और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ सर्विसेज और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ओके, अब अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो योस्ट के सेटिंग्स हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट कंट्रोल है अपने टाइटल्स के अबाउट, मेटा डिस्क्रिप्शन के अबाउट, कि कौन सी मेटा डिस्क्रिप्शन सर्च इंजन के अंदर शो होना चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरी जो सर्विसेज टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग सर्विसेज। तो मैं इसको इसके स्पेल ज़रा ठीक कर लूँ, ट्रैवलिंग आई थिंक ये होने चाहिए। ओके, या मैं यहाँ पे रिलायबल टूरिज्म एंड ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मेरे जो सर्च इंजन के अंदर मेरी जो टाइटल नज़र आएगा वो इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। फिर ये जो उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन नज़र आती है तो उसको मैं यहाँ से फिर एडिट कर सकता हूँ। लेट्स से अभी के लिए मैं यहीं को इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। तो आप कस्टम यहाँ से
लिख सकते हैं। तो आप अपने डिज़ायरेबल कीवर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हैं, डिज़ायरेबल जो टाइटल है वो डाल सकते हैं, जिससे आपका जो पेज है वो ऑप्टिमाइज होता है उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अबाउट, राइट। उसके बाद फिर SEO एनालिसिस, ये जो है हमारे पास, हमें क्या देता है, एक SEO एनालिसिस भी देता है। ये ज़रूरी नहीं है आप इनको फॉलो करें, बट आपको फॉलो करने चाहिए। जैसे इस पेज के ऊपर कोई इमेज नहीं है तो ये आपको सजेशंस भी देता है कि ये सारी चीज़ें आपके पेज के अंदर होनी चाहिए, तब आपका पेज एक SEO ऑप्टिमाइज्ड पेज होगा, राइट। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली ये एक बेसिक सा रूल था। उसके बाद अगर मैं वापस जाऊं और इसकी मजीद सेटिंग्स के अबाउट बात करूं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये सेटिंग्स है, सर्च इंजन, सर्च अपीयरेंस। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट का कौन सा हिस्सा सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स हो, शो हो, और कौन सा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो लगा सकता हूँ, लेट्स से मीडिया। अब यहाँ पे देखें, रीडायरेक्ट टू अटैच मीडिया लिस्ट, मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। टैक्सोनॉमी, यहाँ पे शो कैटेगरीज इन सर्च रिजल्ट, मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट के अंदर जो कैटेगरीज हैं उनको सर्च इंजन में शो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसी तरह कैटेगरीज यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। टाइटल क्या हो, डिस्क्रिप्शन, यहाँ से मैं सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ। आर्काइव्स, मैं शो करवाना चाह रहा हूँ, नहीं करवाना चाह रहा। इसी तरह से ब्रेड क्रम्स, आपको मैं किस तरह से शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर उसके अलावा मैं सोशल, जो मेरे वो हैं क्या कहते हैं, सोशल अकाउंट्स हैं, तो मैं उनके लिंक्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, फेसबुक और काफ़ी सारे लिंक्स ऐड कर सकता हूँ, जिससे क्या फ़ायदा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है रैंक यार्ड, तो यहाँ पे देखें हमारे जो सोशल आइकन्स हैं वो भी यहाँ पे देखें शो हो रहे हैं इस जगह पे। और यहाँ पे हमारे जो हैं, ये देखें ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे सर्च इंजन के अंदर शो हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। जब आपकी अपेयरेंस जितनी ज़्यादा आपके एसेट्स की होगी सर्च इंजन के अंदर, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक आप गेन कर पाएंगे और उतने ज़्यादा ट्रस्टेड आप लगेंगे। तो यहाँ पे सारे सोशल मीडिया आप डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और कुछ टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए मज़ीद हम उनको सेटअप कर सकते हैं। अगर आप किसी और वेबसाइट के अंदर, आपने लेट्स सपोज इस वेबसाइट के अंदर आपने सेटिंग की है योस्ट की, राइट। अब दूसरी वेबसाइट पे आप क्या करने चाहेंगे, अब सारी सेटिंग्स आप दोबारा ना करनी पड़े, तो इस वेबसाइट की योस्ट वाली सेटिंग्स को आप एक्सपोर्ट करके उस वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, सिंपल। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीमियम ऑप्शंस हैं, जो कि प्रीमियम जो है योस्ट के अंदर ही मिलेंगे, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। सिंपल आपके साथ फ्री टूल है, फ्री योस्ट को आप सेटअप करके आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सर्च इंजन के अकॉर्डिंग और अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको बेसिक समझ आई होगी SEO। अब मैं बिल्कुल डिटेल के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस नहीं है, ये वर्डप्रेस डेवलपमेंट की क्लासेस हैं। तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक सा बता दिया। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे SEO भी सेटअप करके दो मेरे वर्डप्रेस के अंदर, तो आप ये प्लगइन इंस्टॉल करके और इसकी बेसिक सेटिंग्स जो भी आपको समझ में आ रही हैं वो ऐड करके दे सकते हैं क्लाइंट को। और यही वर्डप्रेस के बेसिक सी SEO होते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे और प्लगइन्स भी हैं, रैंक में एक एडवांस प्लगइन है, उसको यूज़ करते हुए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का इशू है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।